वालेकुम। तो हमारे नाखून जो है वो कुछ इस तरह से जो है ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या वजह है ख़राब होने का और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। तो दोस्तों, हमारे नाखून जो होते हैं वो फंजाई यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से कुछ इस तरह से जो है ख़राब हो जाते हैं, जो कि आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर किसी की इस तरह नाखून ख़राब है तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको के इस्तेमाल से यानी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके नाखून जो है वो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों, आपने दो चीज़ें लेनी है। एक तो हमारे पास नंबर एक पे आता है दोस्तों, नेजोराल क्रीम। तो नेजोराल क्रीम आपने मार्केट में लेना है जिसका फार्मूला है केटोकोनाजोल। तो ये आपने एक लेना है, और दूसरा इसके साथ आपने दोस्तों लेना है फ्लोकोनाजोल कैप्सूल 150 mg, जिसका फार्मूला है फ्लोकोनाजोल और कंपनी है फाइजर डिफ्लोकान कैप्सूल। अगर ये आपको नहीं मिलता दोस्तों, तो आप इनका कंपिटेटर यानी इनका मुतबादल भी ले सकते हैं। तो ये आपने दोस्तों 3 कैप्सूल लेनी है, और केटोकोनाजोल यानी नेजोराल क्रीम जो है वो आपने एक लेना है। तो इनकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये आपको तकरीबन एक कैप्सूल जो है वो 500 रुपये के दरमियान में जो है मिल जाएगा, और नेजोराल क्रीम जो है वो आपको तकरीबन जो है 150 या 140 रुपये के दरमियान में मिल जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं मिलते यानी किसी मेडिकल स्टोर पे ये नहीं मिलती, तो इनका मुतबादल जो है आप ले सकते हैं। तो इनका फार्मूला है दोस्तों केटोकोनाजोल, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी इनका मुतबादल जो है वो दिखा दूंगा। तो आप उनमें से एक जो है ले सकते हैं अगर ये आपके पास अवेलेबल ना है। तो इसका खुराक करने का तरीका जो है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपने लेने हैं नेजुराल क्रीम एक, जिसका फार्मूला है केटोकोनाजोल। तो ये आपने सुबह शाम अपने नाखूनों पे जो है लगाना है। और दूसरा आपने लेना है दोस्तों इसके साथ डिफ्लोकान कैप्सूल, जो कि आपने एक खाना है, और दूसरा आपने एक हफ्ते के बाद जो है वो लेना है पानी या दूध के साथ। आप इसको ले सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो फंगल इन्फेक्शन जो है ओ का ओ इससे ठीक हो जाएगा। तो इनका साइड इफ़ेक्ट वगैरह आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, और इनका मुतबादल जो है वो आप ले सकते हैं मार्केट से, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ जो है शो की है।